आज कुछ ऐसे पौधे हैं जहाँ धूप की गरज नहीं पड़ती है, ऐसे ही प्लांट्स कुछ है बिना धूप में चलने वाले, आसानी से चलने वाले प्लांट्स, क्योंकि आजकल धूप की बहुत ज़्यादा गरज है, लेकिन हर प्लांट्स को धूप चाहिए। लेकिन ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो ब्राइट लाइट से भी बहुत बढ़िया प्लांट्स बन जाते हैं, और हमारे इस तरफ तो धूप आती नहीं, तो आप देख सकते हैं ये प्लांट जो है बहुत बढ़िया हो रहा है। इसको पर्पल हार्ट्स भी बोलते हैं, रिवो भी बोलते हैं, बहुत बढ़िया प्लांट्स हो रहा है, क्योंकि इस तरफ वॉल की वजह से धूप भी आती नहीं, लेकिन फिर भी प्लांट्स बहुत अच्छे से हो रहे हैं। और ये एलोवेरा भी बहुत बढ़िया हो रहा है, तो ये फ़ायदा होता है धूप नहीं रहने के वजह से। और कितना बहुत ही हेवी हो गया, और ये जो बॉटल है ऑयल की, ये देख सकते हैं उसका पूरा बाउंड हो गया, रूट बाउंड हो गया, इतना हेवी कि इसका वज़न बहुत ज़्यादा है, आप हिला भी नहीं सकते हैं, और पूरा नीचे झुक गया है, इतना ज़्यादा हेवी हो गया है। ये भी बहुत बढ़िया हो रहा है, और इसका कलर बहुत ग्रीन है, डार्क है, जो धूप में है कुछ एलोवेरा उसका कलर भी अलग है, तो ये फ़र्क रहता है धूप में और बिना धूप में। एक्चुअली एलोवेरा को तो थोड़ी सी डायरेक्ट सनलाइट मॉर्निंग की चलती है, लेकिन इस तरफ से ब्राइट लाइट है, तो ये है उत्तर पूर्व दिशा, यहाँ से प्लांट की वजह से बिल्कुल ही धूप आती नहीं है, लेकिन इसका ग्रीन बहुत डार्क है और बहुत बढ़िया है, जेल भी भर भर के है, देख सकते हैं छोटे से बॉटल में लगाया, लेकिन प्लांट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ही, आज मैंने हार्वेस्ट भी किया है। दूसरा है ये पान की बेल, पान की बेल को भी सेबी सेड एरिया में होना चाहिए, लेकिन ये भी प्लांट बहुत बढ़िया हो रहा है, आज ही इसका वीडियो अपलोड किया है और काफ़ी बढ़िया हो रहा है, ये देख सकते हैं, और पत्ते का कलर भी आप देख सकते हैं कितना ग्रीन है, और बहुत बढ़िया ये प्लांट हो रहा है, तो ये इसको भी धूप की ज़्यादा गरज नहीं रहती है। उनमें से एक ट्रायंगल हार्ट्स, इसको भी धूप की गरज नहीं रहती, फिर भी ये प्लांट्स बिल्कुल ही धूप नहीं है, सेवी सेट रहने से चलेगा, लेकिन यहाँ पे धूप नहीं है, फिर भी ये प्लांट बहुत हेल्दी हो रहा है और बहुत बढ़िया हो रहा है। और ये भी एस्पिरिन ग्रास बहुत बढ़िया हो रहा है, क्योंकि इसमें धूप नहीं है, फिर भी बहुत ये प्लांट्स हो रहा है। अभी मेरा 5 बजे है, 5 बजे की शूटिंग कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कितने ग्रीन ग्रीन और कितना सुंदर दिख रहे हैं। और एक ये है, ये भी सेमी सेड एरिया में रहते, सालों साल मेरा प्लांट चल रहा है, बिल्कुल ही धूप नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कितना बढ़िया प्लांट हो रहा है। उसके बाजू में जो है वो भी पान का बेल है, इस तरफ तो धूप आती ही नहीं, कभी भी आती नहीं, क्योंकि धूप आने के लिए उस डायरेक्शन से आप देख सकते हैं उतना ही पोर्शन यहाँ तक धूप आती है, सुबह अभी विंटर में तो अच्छी बात आती नहीं है। कुछ प्लांट्स हैं मेरे ये मेटल जैसे, तो ये देख सकते हैं इसमें ना सिल्वर भी एक शाइन आती है, इसका भी मैंने क्लास में वीडियो शेयर किया था। ये प्लांट खूब बहुत सुंदर दिखे, धूप में ही मेरा प्लांट ऊपर का सूख गया है, ये सेमिस्टर एरिया में रहने की वजह से, या बिना धूप में भी रखने से एक गोल्डन अपने सिल्वर कलर का एक शाइन आती है, इसको नीचे से ऐसे मेरे पर्पल के जैसे है, लेकिन बहुत ही सुंदर। और उसी में देख सिंगोनियम भी लगा है, तो आप देख सकते हैं कुछ सिंगोनियम ग्रीन है, और ये जो सिंगोनियम लगा है ये अलग टाइप का है, तो ये भी बिना धूप का ये प्लांट बहुत बढ़िया हो रहा है। ऐसे काफ़ी प्लांट्स है कि बहुत अच्छे से चल रहे हैं। वहाँ पर मैंने स्पाइडर प्लांट रखा है, ये जगह की कमी है, तो ये देख सकते हैं ये भी प्लांट बहुत बढ़िया हो रहा है। ये है कोलियस का प्लांट, ये भी बहुत बढ़िया हो रहा है, क्योंकि कोलियस धूप से ज़्यादा ख़राब हो जाता है, सिर्फ ब्राइट लाइट ही रहती है, तभी ये प्लांट बहुत अच्छे से हो रहा है। इसकी मैंने कुछ कटिंग टूटी थी तो मैंने यहाँ लगा दी, तो ये प्लांट्स भी यहाँ पे अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसके साथ ये है अलग टाइप का स्पाइडर प्लांट, इसके पत्ते थोड़े से अलग हैं, आप देख रहे हैं पत्तों में भी बहुत अच्छे से लाइनिंग आ रही है, देख सकते हैं ये भी अलग टाइप का स्पाइडर प्लांट है। और यहाँ पे देख सकते हैं कोलियस, ये भी बहुत सुंदर, इसका नाम है पिलोड, बहुत कठिन नाम है, लेकिन ये प्लांट बिना धूप का भी बहुत अच्छे से होता है, आप देख सकते हैं इतने से छोटे से गमला है, लेकिन ये प्लांट्स देख आप देख सकते हैं कितना छोटा सा गमला है, लेकिन प्लांट इतना
मस्त हो रहा है, बहुत ही बढ़िया है। उसको जगह भी लगती नहीं, लेकिन पत्ते बहुत बड़े हो रहे। छोटे से मैंने कटिंग या कुछ फ्रेंड से दिया था, तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हेल्दी प्लांट्स हो रहा है ये। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, और इसके पत्ते भी बहुत बढ़िया हो रहे हैं। ये है क्रिसमस ट्री। तो जब मैंने लाया था बहुत छोटा सा था, तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और कितना ग्रीन ग्रीन कलर का है, बहुत ही सुंदर। और बिना धूप का चलने वाला प्लांट से सबसे ब्राइट लाइट है, बहुत अंदर है मनी प्लांट। ये देख सकते हैं मनी प्लांट के भी काफ़ी प्लांट्स है, बहुत बढ़िया हो रहा है। सनरोज, सनरोज प्लांट को तो धूप की गरज है, लेकिन ये यहाँ पे धूप नहीं है। मैंने छोटी सी डहनी लगाई थी, लेकिन आप देख सकते हैं ये प्लांट्स कितना अच्छे से हो रहा है, बहुत ही बढ़िया सनरोज। इसके मुझे और कटिंग लगाना है, कटिंग लगाने से प्लांट्स और बहुत सारे इसके बन जाएंगे। तो मैंने ये जहाँ भी इतने प्लांट्स लगाए सभी टाइप के बिना धूप के हैं, कम धूप की गरज रहती है, किसी को धूप की गरज है, लेकिन यहाँ पे धूप नहीं है, लेकिन ब्राइट लाइट है, तभी ये प्लांट्स सभी अच्छे से हो रहा है। अब गुड़हल का जैसे प्लांट को धूप की गरज है, लेकिन धूप नहीं आती, फिर भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। तो आप देख सकते हैं बाहर से डेली बहुत फ्लावर्स खिलते हैं, ये देखिए डेली 5-6 फ्लावर्स खिलते हैं। तो आज देखिए बाहर से भी आज 2-3 फ्लावर्स है, कल भी हो गए। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं कि धूप की गरज नहीं पड़ती है, और ये भी धूप ज़्यादा रहने से ये भी प्लांट थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं लालसा प्लांट, तो ये भी प्लांट बहुत बढ़िया हो रहा है। बस हमें बीच से प्रूनिंग करते रहना है। कुछ प्लांट्स मेरे 4th फ्लोर पे हैं, वो भी बहुत बढ़िया हो रहे हैं। यहाँ पे जो जितने प्लांट्स मैंने लगाए हैं वो सेमी शेड एरिया, मुझे ज़्यादा गरज नहीं है, ऐसे ही प्लांट्स है। यहाँ पे जो गुलाब के प्लांट्स हैं वो मैंने सब ऊपर रखे हैं, क्योंकि गुलाब के प्लांट्स को ना बहुत ज़्यादा धूप की गरज रहती है। कुछ प्लांट्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, यहाँ तो बिल्कुल ही धूप आती नहीं, फिर भी आप देख सकते हैं सभी प्लांट्स बहुत बढ़िया हो रहे हैं। ये मार्बल मनी प्लांट्स, उसके मैंने अलग अलग छोटे छोटे इसके बनाए हैं, और ये स्नेक प्लांट्स है। तो आप देख सकते हैं एक जेट प्लांट है, जेट प्लांट ना मॉर्निंग की 3-4 घंटे की धूप भी रहे तो बहुत होता है, ब्राइट ब्राइट आता है। और वहाँ पे भी उधर स्नेक प्लांट है, और ये पान का बेल लगाई है। तो हर जगह पे मेरे पान के प्लांट्स हैं, जगह की कमी रहती है इसलिए मैं हर जगह में प्लांट्स लगाती रहती हूँ। ये देखते हैं सिंगोनियम है, यहाँ पर भी रियो है, और बहुत बढ़िया सभी प्लांट्स हो रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये स्नेक प्लांट, ये भी यहाँ पे भी बिल्कुल ही धूप नहीं आती है, फिर भी ये प्लांट्स कितना हेल्दी और कितना बढ़िया हो रहा है। सभी प्लांट्स मेरे सभी अच्छे से हो रहे हैं, बिल्कुल ही मुझे कोई केयर करना नहीं पड़ते, पूरे लो मेंटेनेंस है, और बहुत ही अच्छे बढ़िया प्लांट्स हो रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने इसको डाइनिंग पे रखा था, लेकिन मैं बाहर लेके आई, फिर भी ये प्लांट्स बहुत अच्छे से हो रहा है। और पानी भी मैं देती नहीं हूँ, ये देख सकते हैं मिट्टी इतनी सूख गई है, पानी देना पड़ेगा, और बहुत बढ़िया प्लांट्स हो रहे हैं। तो वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हेलो फ्रेंड्स, ये एलोवेरा आप देख सकते हैं ये 4th फ्लोर पे है, और दिन भर की धूप में ये प्लांट्स का कलर देखिए, जो सेट में रखा है उसका कलर देखिए एलोवेरा का, बहुत फ़र्क है। क्योंकि एलोवेरा को ज़्यादा धूप की गरज नहीं रहती, लेकिन बहुत ज़्यादा एलोवेरा हो गया इसलिए यहीं पे मैंने रखा है काफ़ी समय से, तो धूप में रहने की वजह से ऐसा कलर हो जाता है। ये है तेंदुआ का, बहुत ही सुंदर रहता है, लेकिन इसको धूप में रखेंगे तो उसके पत्ते सब गल जाते हैं। ये मैंने सेमी शेड एरिया में रखा है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ये प्लांट्स हो रहा है। इसके कलर बहुत अच्छे से जो उसके टिपके टिपके रहते हैं, उसको तेंदुआ प्लांट बोलते हैं, मुझे अभी भी कुछ समय से पहले पता चला, मुझे भी एक्चुअली आइडिया नहीं था उसके नाम का। तो दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है ये प्लांट्स। और ये जो धूप में मैंने कोलियस रखा है, दिन भर की धूप में इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं कैसे प्लांट्स हो गया है। और जो मैंने अपने 2nd फ्लोर में रखा है, तो वहाँ पे सेमी शेड एरिया है, बिल्कुल धूप नहीं आती, तो वो प्लांट्स कितना फ्रेश है, एकदम ग्रीन दिखता है। और यहाँ पे देखिए बिना मुझे पूरा दिन भर के धूप में ये प्लांट्स पूरा सूख जाता है। अगर हम इसको 2 दिन पानी नहीं देंगे ना, ये प्लांट्स बहुत जल्दी से सूख जाता है। तो हमें
कोलियस को भी बिना धूप में रखने से भी प्लांट अच्छे से बनता है, अब देख ही रहे हैं। और ये जो वेलवेट का प्लांट आप देख रहे हैं फ्लावर्स का, इसको भी ज़्यादा धूप की गरज नहीं है, लेकिन मॉर्निंग की धूप की गरज है। तो आप देख सकते हैं दिन भर की धूप में भी ये प्लांट पूरा सूख गया, अभी मैंने पानी दिया तो ये प्लांट्स थोड़ा सा ग्रीन हो रहा है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं कि इसको दो चार पाँच घंटे की धूप सहन होती है, ऐसे नाजुक प्लांट को।